हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना देखिए, हरियाणा में ना नई भर्ती आई हुई है, तो किसकी भर्ती है, कितनी पोस्ट है, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये भर्ती है, ये है हरियाणा लोक सेवा आयोग में, और इसमें ना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है, इसमें ये भर्ती आई हुई है। तो देखिए, हरियाणा में कृषि विकास अधिकारी यानी कि कृषि विकास अधिकारी के ये पद हैं, जो कि पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है, और पदों का श्रेणीवार विभाजन निम्नानुसार है। तो देखिए, कृषि विकास अधिकारी के पद हैं और कितने हैं तो देखते हैं। तो देखिए, ऐसी कैटेगरी के लिए है 4 पोस्ट, BCA के लिए 2 पोस्ट है, BCB के लिए 1 पोस्ट है, EWS के लिए 2 पोस्ट है, और देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है इनके लिए 11 पोस्ट है। तो देखिए, जो टोटल पोस्ट है ये है 20 पोस्ट है, और देखिए ESM अनरिजर्व है, इनके लिए भी 1 पोस्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पोस्ट आई हुई है, और इसमें जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए रहेगा तो ये है 27 मई 2022 से ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, और लास्ट डेट रहेगी 16 जून 2022, और टाइम रहेगा 11:55 तक का। और देखिए, फीस जमा करने के जो लास्ट डेट रहेगी ये है 16 जून, और इसमें भी लास्ट टाइम रहेगा 11:55 का। और देखिए, और अधिक जानकारी के लिए आप सभी hssc.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 20 पोस्ट आई हुई है, तो अगर किसी की क्वालिफिकेशन मैच होती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये थी एक इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक आता रहे। थैंक यू।